फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन एंड यू आर वाचिंग राघव एकॉस्टिक्स विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ओजोम की तरफ से, जो कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया है, दैट इज 180 वॉट की LED। जी हाँ, ये जो आप LED देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, ये है 180 वॉट की LED। तो सामने से बॉक्स इसका कुछ ऐसा दिखता है और ये एक मैसिव आउटपुट वाली LED ओजोम की तरफ से मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी गई है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 16,800 ल्यूमन्स की ब्राइटनेस वाली लाइट। जी हाँ, 16,800 ल्यूमन्स की ब्राइटनेस इसके अंदर हमें मिल जाती है, बिकॉज ये है 180 वॉट का पेयर। 180 वॉट पेयर मीन्स कि ये 90 वॉट का सिंगल बल्ब है। और बॉक्स सामने से कुछ ऐसे शानदार पैकेजिंग में आता है, और इनफैक्ट ये बॉक्स रीयूजेबल है, आप इसको रिसाइकिल कर सकते हो अपने और भी यूजेस के अंदर, इसको काम में ले सकते हो। तो आइए देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिल जाता है और कैसा दिखता है। तो आपको मैं सबसे पहले H4 मॉडल इसका खोल के दिखा देता हूँ, बाकी बॉक्सेस करते हैं साइड में। तो ये है इसका H4 मॉडल, और सामने से आप देख पा रहे हैं ओजोम की यहाँ पे ब्रांडिंग है, AZ1808 मॉडल की बैजिंग, और ये होलोग्राम है, ओजोम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इसके ऊपर लिखा गया है, और ये इंश्योर करता है प्रोडक्ट फुली तरीके से जेन्युइन है। और ये 2024 का न्यू अराइवल 180 वॉट का न्यू लॉन्च है। आप देख पा रहे हैं लैंप बीड्स इसकी बड़ी कर दी गई है, डुअल कैनवस चैनल अडाप्टर विद हीट कंट्रोल, और केबल बेस्ड इसकी लाइट पहले भी थी आज भी है, और हाई पावर इसके ऊपर चिप लिखा गया, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे दी हुई। साइड से ऑप्शन मिल जाता है 6000 केल्विन, 4300 केल्विन, 6000 केल्विन अभी आया है, और ओजोम कीप इनोवेटिंग टू मेक ड्राइविंग सेफर। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा गया है, और ओजोम की यहाँ बैजिंग। रियर की बात करें, MRP का स्टिकर हमेशा की तरह जो हम हर प्रोडक्ट पे ओजोम के देखते हैं, और MRP यहाँ पे H4 का जो रखा गया है 13,990, यानी कि 10 रुपये कम, 14,000। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ किसी और अन्य नंबर की, H4 H19 को छोड़ के, तो MRP दिया गया है 12,990, यानी कि 10 रुपये कम, 13,000। और ये जून 2024 की मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट है, ओरिजिन मेड इन चाइना ही रहेगा प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए। और बाकी बेहतर जानकारी के लिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सारा स्टिकर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और कुछ यहाँ पे वोल्टेज वगैरह दी हुई है, 180 वोल्ट है, 9 टू 16 वोल्ट पे चल सकती है, 16,800 ल्यूमन्स है, IP65, 6000 केल्विन, और कलर टेम्परेचर जो कि 40 डिग्री सेल्सियस टू 105 तक है। बाकी ओजोम को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H4 हम ओपन करने वाले हैं। तो ये मेटल का कार्टून इस में दिया गया है, और इस आप इसको रीयूज कर सकते हो। एक वारंटी कार्ड जिसके ऊपर आपको 2 ईयर की ब्रांड वारंटी मिल जाती है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट कोड यहाँ पे दिया भी गया है। उसके बाद में 2 LED बल्ब्स जो कि फॉर्म केसिंग के अंदर आते हैं, बॉक्स के अंदर पैक करके जैसे मर्जी तोड़ो फोड़ो, बल्ब को कोई नुकसान नहीं है। तो निकाल लेते हैं साइड में और बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये है हमारा 180 वॉट यानी कि 90 वॉट का सिंगल पीस का बल्ब, जिसकी लैंप बीड सिंक इस बार बड़ी कर दी गई है, आप देख पा रहे हो। और सामने डुअल हीट सिंक है, जिसके पाइप्स भी पहले से बहुत ज़्यादा थिक कर दिए गए हैं, लिक्विड बेस्ड होते हैं ये। और इसका अगेन रिटेनर पोर्शन जो और ब्रांड्स के कंपैरेटिव, ये एल्यूमिनियम का यानी कि मेटल का बना हुआ है, डाई कास्टेड है, और ये प्लास्टिक का नहीं है, तो ये जलने का कोई भी या मेल्ट होने का कोई इशू है ही नहीं इसके अंदर। एक रबड़ स्पेसर वॉशर है जो इंश्योर करता है कि डस्ट वगैरह आपकी हेडलाइट में नहीं जाएगी, ये गैसकेट का काम करता है। इसके बाद में यहाँ देखो ओजोम की बैजिंग, और पीछे इंपोर्टर FBL ऑटोमोटिव जो कि एक्सक्लूसिव इंपोर्टर है इंडिया के लिए, और प्लग एंड प्ले टी शेप की H4 की सॉकेट है, बाकी अकॉर्डिंगली जो बल्ब आप साइज चूज करोगे उसमें जो सॉकेट आएगी वो सेम आएगी। ये है इसका डुअल चैनल कैनवस अडॉप्टर, इसमें देखो यहाँ सारी बैजिंग वगैरह प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, H4 H19 है, और ये दिखने में सेम है एज कम्पेयर टू 150 वॉट, पर इसकी वॉटेज और इसकी लाइट ब्राइटनेस ज़्यादा है 150 वॉट के कंपैरिजन में, क्योंकि 150 वॉट में हमें मिल जाती थी 11,000 ल्यूमन्स की कंबाइंड पावर, जबकि इसके अंदर मिलती है 16,800 ल्यूमन्स की कंबाइंड पावर। तो जी हाँ, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ वॉटेज, ये बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा सुपीरियर है लाइट आउटपुट के मामले में, और क्वालिटी के मामले में जहाँ पे हमें 150 वॉट में पहले यहाँ गोल्डन मिल रहा था सिंक कवर, वहीं पे हमें फ़ैन कवर, ये सिंक कवर हमें ब्लैक कलर का दे दिया गया जो कि मैटिश लुक में, अगेन बाकी सारा कुछ सेम है, पर ये लैंप बीड्स बड़ी कर दी गई हैं और ये वायर्स वगैरह A to Z सेम है,
पर लाइट में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। हम पर्सनल लेवल पे इसको चेक कर चुके हैं, एक साइड LED 150 वॉट का पेयर लगा के और दूसरी साइड पे सेम गाड़ी के अंदर 180 वॉट का पेयर लगा के, तो डिफरेंस विजिबल है, पर वो इतना कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इस बल्ब के ऊपर आपको 2 ईयर वारंटी मिल जाती है। मेनली बल्ब साइजेस क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपने देखा था H4 अभी आपने देख लिया है, और इसके अंदर ही हमें H19 का ही पार्ट मिल जाएगा, H19 जिसको हम बोलते हैं। तो H19 का इसके अंदर यहाँ देखो, यहाँ पे कट दिए गए हैं दोनों, तो जिस भी गाड़ी के अंदर H19 है वहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे साइड में। इसके बाद में हमें मिलता है 9012, 9012 का आप MRP चेक कर सकते हैं, 12990, यानी कि 10 रुपये कम, 13,000 रुपये। और सेम है सब कुछ, 2 ईयर की ब्रांड वारंटी, बस एक बल्ब साइज चेंज है। और इसके अंदर देखो 9006 की सॉकेट भी आ जाएगी आपकी, जो कि रबड़ रिंग चेंज करके आप इसको 906 बना सकते हो, अदरवाइज ये 9005 है। और ये है इसका रिटेनर पोर्शन। सबसे अच्छी बात इस ब्रांड की मेरे को यही लगती है, कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग ज़्यादा नहीं की गई है, क्योंकि सुपीरियरनेस और क्वालिटी का बहुत ज़्यादा मेजर ध्यान रखा गया आफ्टर लॉट्स ऑफ R&D, बिकॉज ये रिटेनर पार्ट इसका अब भी एल्यूमिनियम का एज कम्पेयर टू अनदर ब्रांड्स, क्योंकि और ब्रांड्स जितने भी हैं ना वो सभी क्या करते हैं प्लास्टिक का दे देते हैं। देखो 10-5 रुपये की कॉस्ट ना 200 पीस के पीछे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण से वो पैसे बचाने के लिए इसको भी प्लास्टिक का कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद ये या तो ये झड़ जाता है, गर्म होके ख़राब हो जाता है या मेल्ट हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये फुली एल्युमिनियम का है और ये 10 साल तो कहीं नहीं जाने वाला, इनफैक्ट जब तक घिसेगा नहीं तब तक टूटेगा नहीं है, ठीक है ना, ख़राब नहीं होगा। तो सामने से ये भी बल्ब सेम ही है, बस ये 9005 की सॉकेट का है और थोड़ा सा पतला है एज़ कम्पेयर टू H4, क्योंकि उसमें डबल बीम होती है हमारी, लो बीम हाई बीम दोनों उसी के अंदर चलेगी, जैसे आप देख पा रहे हो। इसके अंदर बीट सिंक इसकी बड़ी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसमें डबल दे दी गई है। और इसका जब आप लो बीम ऑन करते हो H4 का और उसके बाद हाई बीम पे स्विच करते हो, तो हाई बीम भी चलती है, लो बीम भी चलती है, जबकि एज़ कम्पेयर टू अनदर ब्रांड उसके अंदर क्या होता है, लो बीम अलग हो जाएगी आपकी, हाई अलग हो जाएगी, और जब आप हाई स्विच करोगे तो लो बंद हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर दोनों कंबाइंड चलती है, तो रोड विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा एनहांस हो जाती है, ठीक है। और यहीं पे आपका ये वाला जो बल्ब है 9005, इसमें भी सॉकेट टू सॉकेट कनेक्शन है और सेम एज H8 सॉकेट है, H27 भी सेम ही है, और कहीं पे भी कोई खास फर्क नहीं है। और ये अकॉर्डिंगली आप अपनी गाड़ी के बल्ब साइज़ की उसमें फिट कर सकते हैं। और ये इसका रिटेनर है, रिटेनर अभी 9005 9012 का है, और अगर आपने इसको 9006 बनाना है तो ये रबड़ पोर्शन, आप इसके अंदर सिलिकॉन वाली रबड़ है इसको चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद ये 9006 बन जाएगा। HB3, HB4, HB6, H1R2, 9005, 4, 3 और 12, ये सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और वी आर ऑफरिंग अ गुड डिस्काउंट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको एक अच्छा डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पे प्रोवाइड करेंगे। इसको भी रखेंगे साइड में। अब मिल जाता है हमें H11 और H8, H9, तो करते हैं अनबॉक्स। इससे पहले MRP आप देख लो, 12,990, सेम MRP है बिकॉज सिंगल पॉइंट ये बल्ब है। 2 ईयर की ब्रांड वारंटी मिलती है, और सामने से आप देख लो ये बल्ब भी, सिर्फ सॉकेट वगैरह सब कुछ सेम है, जस्ट ये रिटेनर पार्ट इसका H8, H11, H9 सॉकेट का है। और अगेन ये भी मेटल यानी कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई, तो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है ओजूम हमेशा की तरह, क्योंकि ओजूम हमने जब भी आपको दिखाया आप सबने उसको बहुत प्यार दिया, और वैसे भी रिलायबल है, वेल नोन ब्रांड है इंडियन मार्केट के अंदर, क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो ये H8 था। इसके बाद में इसको भी रखते हैं साइड में। तो लास्ट ऑप्शन जो हमें मिल जाता है H7, आप सामने देख पा रहे हो H7, और इसका भी MRP यहाँ पे सेम दिया गया है 12,990। पर एक एडवांटेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले तो आप H7 चेक कर लो, रिटेनर पार्ट अगेन ये भी मेटल का है, और उसके बाद में सामने बीड सिंक डुअल है और मोटी है। प्लस इसके अंदर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अभी हमारे पास ये सिर्फ H7 की सॉकेट थी अब तक, लेकिन कुछ गाड़ियों के अंदर H18 भी आ चुकी है, तो H18 आप चेक कर लो, ये H18 का कट दे दिया गया। पर मेरी समझ से बाहर है ये H18 का कट बना के चेंज क्या हुआ है इसके अंदर, तो ये आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बता सकते हैं हमें कि इसके अंदर चेंजेस ऐसे क्या आए हैं। बट H7, H18 अब से एक ही रिटेनर में, एक ही बल्ब साइज में आने लग गया है, तो आप इसको भी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। सारे बल्ब साइजेस अवेलेबल है, H1, H27 भी अवेलेबल है, बट वो लेट आएगा थोड़ा सा, तो अवेलेबिलिटी आपको थ्रू वेबसाइट और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको घर बैठे मंगाना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। विजिट करिए वेबसाइट carconceptshop.com, और प्रोडक्ट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
टू ईयर की ब्रांड वारंटी है, क्वालिटी एश्योर्ड है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपको किसी भी तरीके की हेजिटेशन फील हो और किसी भी तरीके से कोई ड्रॉबैक आपको फेस करना पड़े। तभी अपने एंड पर हम इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर चुके हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद ही आप सबके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आपको भी एक बेस्ट रिलायबल प्रोडक्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स, यही थी ओजोम की 180 वॉट एलईडी विद 2 ईयर वारंटी। एमआरपी आप सभी ने देख ही लिया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये बनाया हुआ कंटेंट मेरा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपकी लाइट की प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन ये रहा होगा। तो ऐसे ही नई वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, पर जाने से पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नई वीडियो जो भी आए हमारे चैनल पे आपको बेल आइकन प्रेस करने पे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेरी है, ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपका कोई भी सुझाव, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहाँ पे निश्चिंत होकर कुछ भी लिख सकते हैं और बता सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप हमें कहीं दूर से रीच कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी भी सिटी से आप रीच कर रहे हैं वहाँ पे सिटी ज़रूर मेंशन कीजिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी वीडियो कहीं दूर तक किसी कस्टमर को रीच हो रही है, चाहे आपने लेना है और चाहे नहीं लेना है वो मैटर नहीं करता, पर अगर आप इंडिया में किसी भी सिटी से देख रहे हैं तो प्लीज़ सिटी ज़रूर बताना, हमें बड़ी खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में इस थार की हेडलाइट के साथ, जो कि आती है मैसिव प्रोजेक्टर के साथ में 90 वॉट की आउटपुट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इस प्रोडक्ट का इंतज़ार रहेगा और हम आपके लिए एक बेटर कंटेंट शूट करके बहुत जल्द अपने चैनल पर दोबारा आपसे मिलेंगे। शुक्रिया।